गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 13.6 क्लास 9। यहाँ पर हम कुछ सिलेंडर के बारे में देखेंगे। यहाँ पर देखिए एक सिलेंडर है, यहाँ पर जिसकी रेडियस है और ये पूरा यहाँ तक डायमीटर होता है और ये इसकी पूरी क्या है हाइट है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट है ये फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, एंड सेकेंड है सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ये होता है 2πRh, एंड थर्ड टी एस ए ऑफ सिलेंडर 2πR और ब्रैकेट में आर प्लस है। तो नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 24.5 सेंटीमीटर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। यहाँ पर होता है कितना वाटर होल्ड करेगा। तो इसका सर्कमफेरेंस दिया है और हाइट दी है, तो सर्कमफेरेंस दिया है यहाँ पर 132, तो सर्कमफेरेंस होता है 2πR इक्वल टू 132 और 2π की वैल्यू 22/7 और ये R इक्वल टू 132, तो R इक्वल टू 132 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/22 और नीचे ये 2 कैंसिल करते हैं। देखिए इसको 11 2 या 22 और 11 1 जाए 11, 11 2 जाए 22, 2 से फिर किया 2 6 जाए 12 और 2 से फिर 2 3 जाए 6, तो R इक्वल टू आ गया 21 सेंटीमीटर। ये इसकी आ गई रेडियस। अब देखिए वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल वेसल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 रेडियस इसकी 21 × 21 और हाइट इसकी, हाइट इसमें दी हुई है, हाइट है 25 सेंटीमीटर, कैंसिल किया 7 3 21 और 3 2 6 और 3 2 6 मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई 21 और ये 25, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए सेंटीमीटर क्यूब है, इसको हम चेंज करेंगे लीटर में, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, तो यहां पर 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 लीटर, तो यहां पर इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे और 0 से 0 कैंसिल और 2 के बाद डेसिमल आ जाएगी, 34.65 लीटर ये आंसर आ जाएगा। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड। द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर 28 सेंटर, द लेंथ ऑफ पाइप इज 35 सेंटर, फाइंड द मास ऑफ द पाइप, 1 सेंटर स्क्वायर ऑफ वुड हैज मास 0.6 ग्राम। अब देखिए यहां पर डायमीटर दिया है, यहां पर इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर दिया हुआ है यहां पर, तो इनर डायमीटर दिया है कितना दिया है आपका 28, इनर डायमीटर दिया इसका 24, आउटर डायमीटर दिया इसका 28, तो यहां पर देखिए जो आउटर डायमीटर दिया है यहां से यहां तक का पूरा ये सेंटर है, ये यहां से यहां तक पूरा ये डायमीटर दिया हुआ है पूरा 28, तो आउटर डायमीटर दिया यहां पर 28, तो अपन यहां पर D1 मानेंगे आउटर डायमीटर को, तो D1 इक्वल टू दिया है 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी आर बन जाएगी 14 सेंटीमीटर, और इनर डायमीटर दिया है D2, इनर डायमीटर दिया यहां पर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, तो ये दिया है 24 सेंटीमीटर, तो यहां पर R2 हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और हाइट दी है लेंथ ऑफ पाइप कितनी दी है यहां पर दी है 35 सेंटीमीटर, तो आपकी हाइट हो जाएगी 35 सेंटीमीटर, कितनी दी है इसकी यहां पर 35 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर हम वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड करेंगे, तो लगाएंगे फॉर्मूला हम पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर और H, पाई आर स्क्वायर जो होता है, तो यहां पर R2 में से हम R1 को माइनस कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर H, तो पाई की वैल्यू यहां पर हम रखेंगे 22/7 और R2 हमारे कितना है 12, कितना इसका R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये R1 माइनस R2 का स्क्वायर कर देंगे, R1 है हमारा 14 और R2 है हमारा 12 का स्क्वायर और हाइट कितनी है इसकी 35। अब देखिए 12/7 ये हो गया 14 का स्क्वायर 196 और 12 का 144 मल्टीप्लाई
35. 22 अपॉन 7 माइनस करा 6 में 4 गया 2 और 9 में से 4 गया 5 और मल्टीप्लाई 35 कैंसिल किया 7 5 जा 35 इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए इसका मास दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 0.6 ग्राम तो मास ऑफ द पाइप निकालेंगे हम मास ऑफ द पाइप तो मल्टीप्लाई करेंगे 5720 मल्टीप्लाई 0.6 ग्राम तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3432 ग्राम। अब इसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे 3432 अपॉन 1000 और 1 किलोग्राम तो ये आएगा 3.432 किलोग्राम। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन टू पैक्स। फर्स्ट अ टिन कैन विथ अ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड विथ 4 सेंटीमीटर हैविंग अ हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड सेकेंड अ प्लास्टिक सिलेंडर विथ सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर तो विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड हाउ मच। तो देखिए यहाँ पर एक सॉफ्ट ड्रिंक है वो दो कंटेनर में फिल की हुई है, एक जो है क्यूबर्ड की फॉर्म में है और जो दूसरा है वो सिलेंडर की फॉर्म में है तो बताना है किसमें ज्यादा है और कितनी है। तो ये पहला जो है वो रेक्टेंगुलर उसका बेस है मतलब क्यूबर्ड की फॉर्म में है तो उसकी लेंथ दी है 5 4 और हाइट दी है 15। तो फर्स्ट है जो है तो वॉल्यूम ऑफ टिन निकालते हैं हम वॉल्यूम ऑफ टिन इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच तो उसकी लेंथ दी है लेंथ कितनी दी है इसकी 5 सेंटीमीटर और ब्रीथ दी है इसकी 4 सेंटीमीटर और हाइट दी है इसकी 15 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि ये किसकी फॉर्म में है क्यूबॉइड की फॉर्म में है ये क्यूबॉइड की फॉर्म में है तो बोले क्यूबॉइड होता है एल इंटू बी इंटू एच। अब देखिए सेकेंड है वो किस फॉर्म में है वो सिलेंडर की फॉर्म में है उसमें सॉफ्ट ड्रिंक फिल है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच तो पाई की वैल्यू हमारी है 22.7 और रेडियस इसका डायमीटर दिया हुआ है इसका 7 सेंटीमीटर तो रेडियस की तो जाएगी 7/2 तो रेडियस जाएगी 7/2 का स्क्वायर और हाइट इसकी दी हुई है 10 सेंटीमीटर ये दी हुआ है इसका सिलेंडर का इसमें डायमीटर दिया हुआ है सिलेंडर का डायमीटर कितना दिया है इसका 7 सेंटीमीटर और रेडियस है इसकी 7/2 और हाइट दी है इसकी 10 सेंटीमीटर और टिन की लेंथ ब्रीथ और हाइट दी हुई है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 और मल्टीप्लाई 7/2 और मल्टीप्लाई 10 7 से ये 7 कैंसिल और 2 से ये 11 कैंसिल मल्टीप्लाई किया इसको और 2 से ये एक 5 कैंसिल 2 5 10 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा आंसर 385। देखिए 5 7 35 और मल्टीप्लाई 11 11 5 जो 55 11 3 33 और ये 385 ये आपका आएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए इसका डिफरेंस फाइंड करते हैं तो कौन सा डिफरेंस देखते हैं हम तो विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी किसकी कैपेसिटी ग्रेटर है सिलेंडर की तो सिलेंडर हैज ग्रेटर कैपेसिटी इसका पहले हम डिफरेंस निकालते हैं तो देखिए डिफरेंस फाइंड करते हैं डिफरेंस देखिए 385 माइनस के 300 सेंटीमीटर क्यूब माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 85 सेंटीमीटर क्यूब तो सिलेंडर हैज ग्रेटर कैपेसिटी
बाय 85 सेंटीमीटर क्यूब।